तो दोस्तों हम आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। और कई सारे एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जिसमें हमारा फ़ोन न चाहते हुए भी लैंडस्केप में चले जाता है। मतलब हम रखते तो अपने ऑटो रोटेट को ऑफ हैं, हमारा फ़ोन तो पोर्ट्रेट मोड पर ही चलता है हर जगह पर, लेकिन कुछ कुछ एप्लीकेशंस ऐसे हैं जहाँ पर खुद से वो लैंडस्केप में आ जाता है। और कुछ कुछ फ़ोन्स तो लैंडस्केप से पोर्ट्रेट होते होते हैंग भी करने लगते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी के बारे में तो आज की ये वीडियो। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और जैसे कि एग्जांपल ले लें तो कई फ़ोन्स में वोकलाइज़र जो वॉइसेस एप्लीकेशन है, वोकलाइज़र वॉइसेस का, इसमें भी अपना फ़ोन लैंडस्केप ले लेता है खुद से बिना ऑटो रोटेशन के। मतलब ऑटो रोटेट हमारा ऑफ है लेकिन फिर भी वो लैंडस्केप हो जाता है। या फिर हम जूम को ही ले लें, जूम में अगर हम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, अगर हमारा फ़ोन थोड़ा भी लैंडस्केप हुआ, बस हमारा फ़ोन पूरी तरह से लैंडस्केप मोड में आ जाता है, टॉकबैक अनाउंस करता है लैंडस्केप। तो हम नहीं चाहते कि हमारा फ़ोन लैंडस्केप में जाए, पोर्ट्रेट में ही वो रहे हमेशा। तो ये किस तरह से कर सकते हैं, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, फ्रीज़ हो जाएगा वो आपका पोर्ट्रेट मोड में हमेशा हमेशा के लिए, नहीं जब तक आप चाहें बस तब तक। तो अभी ये किस तरह से करना है जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को भी लाइक करके बेल आइकन भी प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लीजिएगा। और ये ट्रिक हर एप्लीकेशन में वर्क करने वाले, जो जो आपको खुद से, अगर आपका ऑटो रोटेशन ऑफ है, ऑटो रोटेशन ऑफ है और उस वक्त भी वो आपको लैंडस्केप में लेकर जाता है, तो फिर अगर आप इस एप्लीकेशन को ऑन करते हैं तो फिर आपका फ़ोन ऑटो रोटेट नहीं होगा, जो भी आप उसमें ओरिएंटेशन सेट करेंगे वही फिक्स रहेगा। तब चलिए बहुत बड़ा इंट्रो नहीं करते हुए वीडियो को भी स्टार्ट कर देते हैं अब। तो चलिए अभी हम जानते हैं कि हमें इसे डाउनलोड किस तरह से करना है सबसे पहले, तो उसके बाद हम इसका यूज़ करना कैसे वो भी जानते हैं। प्ले स्टोर ओपन कर लेंगे Search for screen rotation control. और यहाँ स्क्रीन रोटेशन कंट्रोल हम सिंपल से सर्च कर लेंगे। अगर आप वॉइस सर्च नहीं बोलते हैं तो फिर आपको ये इजीली सर्च में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, केवल स्क्रीन रोटेशन कंट्रोल आपको सर्च करना है। फर्स्ट पर ही एप्लीकेशन हमें मिल चुका है सबसे टॉप पर, ओपन कर लेंगे सिंपल। और आपको इसी वाले एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, स्क्रीन रोटेशन कंट्रोल। तो अभी हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं अपने एप्लीकेशन को, ओपन कर लेते हैं स्क्रीन रोटेशन कंट्रोल। अभी यहाँ पर सेटिंग्स कुछ भी नहीं करना है आपको, परमिशन यहाँ पर कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। जैसे ही हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला ऑप्शन है सेलेक्ट रोटेशन डायरेक्शन, जो कि ये केवल एक हेडिंग है, कोई काम का नहीं है। उसके बाद है VTN कॉल्स बटन, पोर्ट्रेट बटन, और वो भी बटन भी कोई काम का नहीं। अब हमारे काम के बटन शुरू होते हैं। सबसे पहला है पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, रिवर्स पोर्ट्रेट का मतलब हमारा फ़ोन पोर्ट्रेट में ही उल्टा हो जाएगा, फ़ोन अगर हम सीधा पकड़ते हैं तो भी उल्टा हो जाएगा। रिवर्स लैंडस्केप में भी हमारा फ़ोन लैंडस्केप में उल्टा रहेगा। ऑटो तो हमारा फ़ोन का ऑटो रोटेशन ईजिली काम कर लेता है इतना। स्टॉप सर्विस बटन, इसके बाद आखिरी ऑप्शन है स्टॉप सर्विस। अभी हम पहले यहाँ से पोर्ट्रेट को चूज़ करते हैं, रोटेशन डायरेक्शन इज पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट पर क्लिक करते ही हो चुका है यहाँ पर रोटेशन डायरेक्शन इज पोर्ट्रेट। और अगर अभी हम कोई सा भी एप्लीकेशन अगर ओपन करते हैं जिसमें कि वो लैंडस्केप खुद से हो जाता है, एग्जांपल जूम पर अगर हम एक मीटिंग को ज्वाइन करते हैं, अगर अभी हम अपने फ़ोन को लैंडस्केप मोड में भी रख देंगे, अगर खुद से हम उसको लैंडस्केप में भी रखते हैं, तो भी यहाँ पर ये हमारा लैंडस्केप में फ़ोन नहीं जाएगा, पोर्ट्रेट में ही ये लॉक्ड फिक्स फ्रीज रहेगा, जमा हुआ रहेगा। और अगर अभी आपको इसको बंद करना है, सबसे आखिरी में एक ऑप्शन है ऑटो के ठीक बाद स्टॉप सर्विस, इस पर क्लिक कर देना है, हो गया यहाँ पर रोटेशन सर्विस इज स्टॉप इजीली। और इस एप्लीकेशन की खास बात ये है कि इसको कोई भी परमिशन नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप अपने ऐप इन्फो में भी जाते हैं स्क्रीन रोटेशन कंट्रोल के, तो फिर आपको वहाँ पर परमिशंस का ऑप्शन ही डिसेबल मिलेगा। और साथ ही ये एप्लीकेशन बिल्कुल छोटा सा, तो अगर आपका फ़ोन 2GB रैम वाला भी है तो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को, स्क्रीन रोटेशन कंट्रोल को, अगर आप रोटेशन को पूरी तरह से लॉक करना चाहते हैं तो। और ये बिल्कुल सही से वर्क करता है, एक्सेसिबिलिटी से भी इसको हमें ऑन नहीं करना पड़ता, केवल एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और जैसा प्रोसेस बताया सिंपल से उस प्रोसेस को फॉलो कर लेना है। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करके कॉल को सेट कर लीजिएगा।